बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल, जिसमें हम माइटोसिस पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉइड पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल। के मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें वन पेरेंट सेल डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड होकर फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है। मियोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। अब मियोसिस का प्रोसेस क्योंकि बहुत लेंथी होता है, इसलिए हम इसे टू फेसेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में वन डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर पहले टू डॉटर सेल्स बनाएगा, और फिर मियोसिस टू में वही दो डॉटर सेल्स डिवाइड होकर फोर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं मियोसिस वन। मियोसिस वन में उसी तरह टू फेसेस होंगी, कैरियोकाइनेसिस यानी के डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोकाइनेसिस यानी के डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फेसेस, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड द टीलोफेज वन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज वन। प्रोफेज वन मियोसिस की सबसे कॉम्प्लेक्स और लेंथी फेस होती है। क्या क्या होता है प्रोसेस वन में, प्रोफेज वन में सॉरी। सबसे पहले इसमें उसी तरह क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो एक जैसे होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब प्रोफेज वन के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड्स। हर क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे जो कि सेंट्रोमेयर के जरिए आपस में अटैच होंगे। अब इसमें क्या होता है प्रोफेज वन में, के जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के करीब आकर पेयरिंग करेंगे। इनकी इस पेयरिंग को कहेंगे साइनेप्सिस। व्हाट इज साइनेप्सिस? द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के बाद क्या होता है कि ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जिस पॉइंट पर ये ओवरलैप करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं क्यास्मेटा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो पहले क्रोमोसोम्स में कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम्स का आ जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम्स में कुछ पार्ट जो है वो पहले क्रोमोसोम्स का आ जाएगा, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस आ जाएंगी। और यानी कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाएगा, और यही एक्सचेंज जो है न्यू जनरेशन में वेरिएशन क्रिएट करता है। तो ये प्रोफेज वन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। उसके बाद बाकी इवेंट्स क्या आकर होंगे प्रोफेज में, उसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो जाएगा, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगी, जहां पे जाकर वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेगी। तो ये तमाम इवेंट आकर होते हैं प्रोफेज वन में। उसके बाद आ जाएगी मेटाफेज वन में। मेटाफेज वन में उसी तरह सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर जाकर स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे और दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर्स आपस में अटैच हो जाएंगे। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये अपने आप को एक इक्वेटर लाइन पे अरेंज कर देंगे। उसके बाद आ जाती है एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होगा, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर्स हाफ ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स वन पोल एंड हाफ ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें, इसमें हाफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और हाफ क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। देन स्टार्ट टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में क्या होगा, हाफ क्रोमोसोम्स ऊपर वाले पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ, वहां पे जाकर ये वहां पे वापिस क्रोमाटिन की शेप भी ले लेंगे। इनके गिर दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप जनरेट हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई वापिस रीअपियर हो जाएगा, और इस तरीके से एक न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस
कैरियोकाइनेसिस स्टेट फेज होगी, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, उसी तरह जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था एनिमल में क्या होगा कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इन्वर्ट करेगी और साइटोप्लाज्म को दो सेल में डिवाइड कर देगी। और प्लांट में क्या होगा कि प्लांट में जो है सेल के अंदर एक सेल प्लेट फॉर्म होगी जो कि बाहर की तरफ इन्वेंट होकर साइटोप्लाज्म को दो सेल में डिवाइड कर देगी। इसके एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस वन वन सेल इज डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल, यहाँ पे एंड हो जाता है मियोसिस वन। मियोसिस वन के बाद थोड़ी सी रेस्टिंग फेज आएगी इंटरफेज टू की। क्या है इंटरफेज टू? इट इज द रेस्टिंग फेज बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। इंटरफेज एज इट इज वैसे ही होगी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ही आ जाएगा कि इसमें एस फेज नहीं होगी, यानी कि डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होगी। आफ्टर इंटरफेज वन मियोसिस टू स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस टू बिल्कुल सेम ऐसे होती है जैसे कि माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह का प्रोसेस होगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास प्रोफेज टू। प्रोफेज टू में वही होगा कि क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देगा, न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियर लाइट डिसअपेयर हो जाएगी और जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, वहां पे जाके ये स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होकर आपस में अटैच हो जाएंगे और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर लाइन पे अरेंज कर लेंगे दोनों सेल में। एनाफेज टू में क्या होगा? ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम्स जो है हाफ क्रोमेटिड्स ऊपर ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और हाफ क्रोमेटिड्स दूसरे पोल की तरफ मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं क्रोमेटिड्स का। अब क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे उनके क्रोमेटिड्स और हाफ जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। टेलोफेज टू में उसी तरह तमाम क्रोमेटिड्स जो है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, वहां पे जाके ये वापस क्रोमेटिन की शेप ले लेंगे, इनके गेट जो है न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा से बन जाएगी, न्यूक्लियोलाई दोबारा से अपीयर हो जाएगा और जो है दो एक न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोसाइटोकाइनेसिस टेक प्लेस व्हिच डिवाइड द ईच सेल इनटू टू डॉटर सेल। इज एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस टू फोर हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास तमाम प्रोसेस था मियोसिस टू का, मियोसिस का। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के, मियोसिस के क्या फायदे हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं। अब मियोसिस में नंबर वन आ जाता है ड्यू टू मियोसिस हेप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। के एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस हमने पढ़ा कि फोर हेप्लॉइड डॉटर सेल या फोर हेप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं। बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल हेप्लॉइड गैमेट्स द डिप्लॉइड नंबर इज रिस्टोर इन द नेक्स्ट जनरेशन। कि जब हेप्लॉइड मेल और फीमेल यूनाइट करेंगे तो जो नया गैमेट बनेगा उसमें डिप्लॉइड नंबर वापस रिस्टोर हो जाएगा। In this way, the number of chromosome of a particular species remain constant generation after generation. के इस तरह मियोसिस के प्रोसेस की वजह से ही हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रोफेस वन में हमारे पास ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड ऑन क्रोमोसोम्स। के क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जीन्स का। इससे क्या होता है कि न्यू वेरिएशंस अकर होती हैं और वेरिएशंस जो है एवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू जनरेशन में जो है वेरिएशंस अकर होती है। तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस था मियोसिस का। आई होप सो कि आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।